बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होते हैं और वो कौन से 7 क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। क्वालिटी कंट्रोल टूल्स जो 7 हैं उनको हम डिस्कस करने से पहले हम ये पता होना चाहिए कि क्वालिटी क्या होती है और क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। क्वालिटी को अगर हम डिस्कस करें तो क्वालिटी क्या होती है कि कोई भी चीज़ कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है वो उसकी क्वालिटी कहलाती है। यानी अगर हम बाज़ार से कोई चीज़ लेते हैं तो हम अगर कहेंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हम कहते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी है, या अगर उसको हम जब यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी सही नहीं होती, वो बुरी चीज़ होती है तो हम कहते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, लो है। तो क्वालिटी बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे यूज़ के लिए कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है वो उसकी क्वालिटी कहलाती है। और क्वालिटी कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें कोई चीज़ हमने बाज़ार से ली है तो उसके ऊपर उसकी इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए या उनके बारे में लिखा हुआ है कि इसके अंदर फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, फलां चीज़ है, तो जब हम उसको यूज़ करते हैं तो क्या वाकई हमें पता चलता है कि ये जो बात ऊपर लिखी हुई थी इसके ऊपर क्या ये उस बात को फुलफिल करती है या नहीं करती। तो उसके लिए फिर हम जब उसको चेक करते हैं कि क्या वो जो बात उस चीज़ के ऊपर लिखी हुई है क्या वो चीज़ वैसी है या नहीं है, तो फिर जब हम ये चेक करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक कर रहे हैं, क्वालिटी कंट्रोल। अब क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी चेक करने के लिए 7 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, बेसिक टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं, या अगर किसी रिजल्ट्स में अगर हम उनको एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो हम पता लगा सकते हैं कि जो हमारे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या कौन से इफेक्ट्स हैं जो हमारे प्रॉब्लम्स को अराइज कर रहे हैं। तो इस तरह हमारे पास कुछ 7 टूल्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे हमारे रिजल्ट्स के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और उनको ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास टूल है क्वालिटी कंट्रोल का वो है चेकलिस्ट। ये मैं पहले आपको इनके बारी बारी नाम बता दूं, जो 7 हमारे पास टूल्स हैं उनमें सबसे पहला टूल क्या है, चेक शीट। दूसरा हमारे पास टूल है कॉजेज एंड इफेक्ट डायग्राम, ये 2 टूल्स हो गए। तीसरा हमारे पास टूल है फ्लो चार्ट डायग्राम, 3 टूल्स हो गए। चौथा हमारे पास है पेरेटो एनालिसिस, ये 4th आपके पास टूल हो गया। 5th नंबर पे है कंट्रोल चार्ट, ये 5th टूल हो गया। 6th नंबर पे है स्कैटर्ड डायग्राम और लास्ट वन है हमारे पास हिस्टोग्राम। अब हम बारी बारी इन 7 टूल्स को देखेंगे और हम देखेंगे कि ये टूल्स हमारे साथ, इन टूल्स का मकसद क्या होता है, ये हमारे पास किस लेवल की हमें हेल्प कर सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, इनका पर्पस क्या होता है और इनको हम क्यों यूज करते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास 7 टूल्स में से सबसे पहला टूल है वो है चेकशीट। चेकशीट क्या होती है और ये किस तरह हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करती है और किस तरह डाटा में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में मदद करती है। बेसिकली जो चेक शीट होती है इट इज अ डॉक्यूमेंट यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा इन रियल टाइम एंड लोकेशन वेयर द डाटा इज जनरेटेड। बेसिकली एक ये हमारे पास चेकलिस्ट होती है, एक ब्लैंक आप समझ लें इस तरह की शीट होती है। उसके अंदर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि फर्स्ट करें हमारे पास कोई मटीरियल है और हम उसको 2 शिफ्ट्स में चला रहे हैं, एक शिफ्ट एक्स है और दूसरी शिफ्ट क्या है, वाई है। 2 शिफ्ट्स हैं, 2 शिफ्ट्स में हमारा कुछ डाटा चल रहा है, उनको हम उन डाटा के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ए बी सी फर्ज करें 3 प्रॉब्लम्स हैं। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे यानी 1 घंटे के बाद हम उसका डाटा लेते हैं, फिर दूसरे घंटे के बाद उसका डाटा लेते हैं, फिर तीसरे घंटे के बाद उसका डाटा लेते हैं। यानी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम क्या करते हैं,
उनका रिकॉर्ड लेते हैं। जब हमने एक घंटे के बाद डाटा लिया तो हमारे पास 18 आया, दूसरे घंटे के बाद लिया तो 21 आया, थर्ड आवर्स के बाद हमने डाटा लिया तो 23 आया। इसी तरह जो दूसरी शिफ्ट है वाई, उसके अंदर भी हमने डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे डाटा लिया तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि जो प्रॉब्लम ए है वो दूसरी शिफ्ट में पहले घंटे में ये प्रॉब्लम इतना आया है, इसी तरह वही प्रॉब्लम दूसरे घंटे में इतना आया, तीसरे घंटे में इतना है। यानी डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज नोट डाउन करते हैं। तो इस तरह हमारे पास एक पूरी शीट बन जाती है जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर प्रैक्टिकल के दौरान कौन सा मसला कितने टाइम के बाद कितनी हद तक आया है। यानी अगर एक मसला या एक रीडिंग में जो फॉल्ट आ रहा है वो एक घंटे के बाद हमने चेक किया तो वो प्रॉब्लम इतना था, दूसरे घंटे के बाद यानी दो घंटे के बाद हमने चेक किया तो वही प्रॉब्लम दूसरे घंटे में इतना था, तीसरे घंटे में वही प्रॉब्लम कितना था। तो हमारे पास ये सारा एक रिकॉर्ड आ जाता है। तो बेसिकली जो चेक शीट होती है उसका मकसद क्या होता है, मेकिंग इंफॉर्मेशन इजी फ्रॉम डेटा फॉर्मेट। तो इस शीट से हमें एक इजी हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है कि प्रॉब्लम किस टाइम में कितनी आई, किस टाइम में कितनी। तो अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इजी आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। जो हमारे पास दूसरा टूल है वो है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम क्या होती है बेसिकली, इसका ये हमें क्या करते हैं, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फैक्टर्स, यानी के कॉजेस दैट लीड्स टू द गिवन सिचुएशन या इफेक्ट। यानी बेसिकली जो हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होती है वो हमें दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप बताती है। कौन सी दो चीजें बताती है रिलेशनशिप, के जो प्रॉब्लम आ रहा है रिजल्ट्स के अंदर हमारे पास, फॉल्ट आ रहा है, गलती आ रही, प्रॉब्लम्स आ रहे, वो किन किन रीजंस की वजह से आ रहा है, ठीक है, और उन रीजंस का हमारे रिजल्ट्स के ऊपर क्या क्या इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे यहाँ मैंने लिखा है कॉजेज और इनका फिर उस हमारे रिजल्ट के ऊपर जो इफेक्ट है वो। अब कॉजेज डिफरेंट तरह के कॉजेज आ सकते हैं कि भाई हमारे रिजल्ट्स में जो प्रॉब्लम आ रही है वो या तो इक्विपमेंट में प्रॉब्लम्स की वजह से आ रही है, या उस एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की वजह से आ रही है, या लोगों की वजह से आ रही है, या मटेरियल या एनवायरमेंट या मैनेजमेंट की वजह से आ रही है। ये छह चीजें क्या है बेसिकली, वो कॉजेज हैं जिनकी वजह से हमारे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम हमें क्या बता रहा है, इसको फिश बोन डायग्राम भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये डायग्राम हमें क्या बता रही है कि जो हमारे रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आते हैं वो किन किन रीजंस की वजह से आते हैं जिनको हम कॉज बोल रहे हैं, और उनका हमारे रिजल्ट्स के ऊपर किस कॉज का क्या इफेक्ट होता है, बेसिकली वो हमें ये चीज बताती है। तो बेसिकली इसका जो मकसद होता है कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का वो क्या होता है, इट आइडेंटिफाइज द कॉज इफेक्टिंग अ प्रोसेस। यानी ये हमें ये चीज बताती है कि कोई भी जो हमारा प्रॉब्लम है, जो रिजल्ट्स में प्रॉब्लम आ रहे तो कौन सी वजह है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रहे। उसके अलावा ये हमें क्या बताती है, इट हेल्प्स इन रीचिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो इस डायग्राम से हमें एक आसानी हो जाती है किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है। तो ये आपके पास दो बेसिकली टूल्स हो गए इन स्टैटिस्टिकल डेटा या क्वांटिटी अपना क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इसी तरह जो हमारे पास थर्ड हमारे पास टूल है वो क्या है, फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या चीज है, इट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट्स अ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ वेरियस काइंड ऑफ बॉक्स शेप एंड कनेक्टिंग दीज विद एरो। यानी बेसिकली जो फ्लो चार्ट डायग्राम है वो हमें ये बताती है कि एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को वो स्टेप वाइज क्या कर देती है, हम उसको डिवाइड कर देते हैं। वो जो प्रॉब्लम है उसको स्टेप वाइज हम डिवाइड कर देते हैं और उन स्टेप्स को फिर हम एरो की मदद से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो एक पूरे प्रॉब्लम को हम स्टेप वाइज जब हम कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें हर स्टेप से अंदाजा हो जाता है कि किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि लैंप डज नॉट वर्क, एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है लैंप डज नॉट वर्क। तो हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को डिफरेंट बॉक्सेस में, डिफरेंट पोर्शंस में हमने ब्रेक डाउन कर दिया और हर बॉक्स को हमने एरो की मदद से कनेक्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है, लैंप डज नॉट वर्क, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कर देते हैं कि अच्छा जी लैंप प्लग इन है या नहीं है। अगर वो लैंप प्लग इन नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस लैंप को प्लग इन करेंगे। अगर वो लैंप प्लग इन है और फिर भी वर्क नहीं कर रहा तो फिर हम क्या करते, ये चेक करते हैं कि अगर वो लैंप प्लग इन भी है तो हो सकता है बल्ब जल गया हो। अगर हम फिर हम चेक करते हैं कि भाई वाकई बल्ब जल गया है, अगर तो हमारा जवाब यस में है, बल्ब जल गया है, अगर वो यस में है वाकई जल गया, तो हम क्या करेंगे, उस बल्ब को रिप्लेस करेंगे। अगर बल्ब नहीं जला, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस लैंप को रिपेयर कराएंगे। तो हमारे पास प्रॉब्लम एक था कि लैंप नहीं जल रहा, तो उन प्रॉब्लम्स को हमने क्या किया, स्टेप्स में डिवाइड कर दिया, हर स्टेप को एरो से कनेक्ट कर दिया। तो वो जो हमारे पास प्रॉब्लम था उसको स्टेप वाइज सॉर्ट आउट करने में हमें हेल्प मिलती है। तो बेसिकली फ्लो चार्ट डायग्राम का मकसद क्या होता है, इट गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस, यानी पूरे प्रोसेस को हमें एक उस विजुअलिटी मिल जाती है, उस फ्लो शीट डायग्राम को देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि प्रॉब्लम क्या थी और वो कैसे सॉल्व की जा रही है। इट गिव्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस, यानी एक प्रोसेस को हमें एक विजुअलाइज कर दिया पूरे डायग्राम की शक्ल में। इसके अलावा इट आइडेंटिफाइज स्टेप एंड मटीरियल नीड फॉर द प्रोसेस, यानी हमें वो प्रॉब्लम स्टेप वाइज पता चल जाता है कि किस स्टेप को कैसे सॉल्व करना है या किस स्टेप को सॉल्व करने के लिए क्या मटेरियल चाहिए। यानी अगर प्रॉब्लम ये था कि लैंप नहीं जल रहा तो उसके लिए हमने एक स्टेप बनाया जिसमें हमने क्या लिखा है, लैंप प्लग्ड इन। तो इस स्टेप में हमें क्या मटेरियल चाहिए कि लैंप को प्लग इन करें, और इसमें हमें क्या चाहिए कि लैंप को क्या करें, बल्ब को देख के पता चले कि भाई अगर यहाँ पे बल्ब जल गया तो यहाँ पे उसको बल्ब को रिप्लेस करें। हर स्टेप का आपको मटेरियल मिल जाता है इस डायग्राम को देखते हुए। और इसके अलावा इट हेल्प्स इन क्विकली एनालाइजिंग द प्रोसेस, तो बजाय हम एक एक प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज करने की, हम उस फ्लो चार्ट को देखते हैं, उस फ्लो चार्ट को देखने से आपको फौरन पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और कैसे सॉल्व की जा सकती है। जो नेक्स्ट हमारे पास है, फोर्थ टूल है, दैट इज पैरेटो एनालिसिस। पैरेटो एनालिसिस क्या होता है, अ बार चार्ट दैट हेल्प्स टू प्रायोरिटाइज एक्शंस बाय अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अक्रेंस। यानी जो हमारे पास पैरेटो एनालिसिस होता है, इसमें हम बेसिकली बार चार्ट यूज करते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ नजर आ रहा है, इसको बार चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बार चार्ट के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। यानी जो बार की हाइट है वो हमें बता रही है कि जो प्रॉब्लम है वो कितने परसेंट है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कब होगा, जब बार की हाइट सबसे कम होगी, सबसे ज्यादा होगी जब बार की हाइट सबसे कम होगी, तो इट मींस कि वो प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे कम है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं और यहाँ पे वो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स हैं कि अगर ये डेंट पड़ रहा है किसी चीज में तो वो डेंट कितना है वो उसकी बार की हाइट हमें बता रही है। अगर हमारे पास लो डेंट है तो वो कितना है वो उसकी बार की हाइट बता रही है। यानी कौन सा प्रॉब्लम कितना है वो उस बार की हाइट से हमें पता चलता है। तो ये जो बार्स की तादाद है या नंबर ऑफ बार्स है, ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को शो कर रहे हैं, और इन बार्स की जो हाइट होती है वो उस प्रॉब्लम की क्वांटिटी को डिस्कस कर रही है। तो बेसिकली इसका पर्पज क्या होता है, इट सॉर्ट आउट फ्यू फ्रॉम मैनी। यानी हम जब इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो कितने परसेंट तक है, या कौन सा प्रॉब्लम ज्यादा है या कौन सा कम है। इसी तरह इट सेपरेट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम नॉन इंपॉर्टेंट कॉज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉब्लम्स। जो नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर पे टूल है वो कंट्रोल चार्ट कहलाता है। कंट्रोल चार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास दो रेड लाइंस जो मैंने यहां पे लगाई हुई है, एक को हम अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं
और एक को हम लोअर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं। तो कंट्रोल चार्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स के दरमियान में कहां कहां पे वेरी कर रहा है, यानी जो प्रोसेस हो रहा है, फर्ज करें जो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम मेजरमेंट्स ले रहे हैं, तो वो मेजरमेंट्स कितनी लोअर कंट्रोल लिमिट और कितनी अपर कंट्रोल लिमिट्स के दरमियान वेरी कर रही है। तो हमारे पास ये एक पता चलता है कि क्या हम लोअर लिमिट से लो तो नहीं चले गए या अपर लिमिट से अप तो नहीं चले गए। तो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, जो मेजरमेंट्स होती हैं, वो टाइम के हिसाब से कितना वेरी कर रही है, क्या वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है, क्या वो हमारी कंट्रोल लिमिट से बियॉन्ड तो नहीं चली गई। तो दरमियान में ये जो आपके पास ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये एवरेज लाइन कहलाती है। इसी तरह इसका यानी मकसद क्या होता है, इट इंडिकेट्स वेदर आवर प्रोसेस इज इन कंट्रोल आर नॉट। तो इस चार्ट से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि वो जो प्रोसेस है, जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्या वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास है स्कैटर्ड डायग्राम, ये सिक्स्थ आपके पास टूल होता है। स्कैटर्ड डायग्राम हमें क्या बताता है, इसमें हमारे पास ये मैंने एक ग्राफ बनाया है जिसमें मैंने तीन डिफरेंट कैलकुलेशंस की हैं। वाई एक्सिस में मैंने स्ट्रेंथ लिए हैं और एक्स एक्सिस में मैंने एयर का प्रेशर लिया, यानी मैंने तीन डिफरेंट डेट्स को मैंने एयर का प्रेशर नोट किया और एयर का प्रेशर पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। तो देखना यह है कि वो जो आपके पास डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्या वो एक दूसरे के साथ वेरी करती हैं या तीनों वैल्यूज आपस में स्कैटर्ड हैं या डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें ए बी सी, तो ए के अंदर जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ही स्कैटर्ड है, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। अगर हम बी के अंदर देखें तो उनके अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव कोरिलेशन आया है, यानी वो थोड़ा सा आपस में क्या है, आपस में कोरिलेट कर रही है। अगर हम सी में देखें तो सी के अंदर जो वैल्यूज हैं वो बिल्कुल ही आपस में कोरिलेट कर रही हैं। तो हमारे पास बेसिकली स्कैटर्ड डायग्राम का क्या मकसद होता है, इट इज अ टूल टू स्टडी द पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, कि वो वैल्यूज को आपस में हम देखते हैं कि उनका आपस में कोरिलेशन कितना है। इसी तरह हमारे पास जो लास्ट है वो हिस्टोग्राम है, लास्ट यानी सेवन टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल हमारे पास हिस्टोग्राम है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है कि आपके पास ये दो तरह का ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ मैंने बनाया है ये ओवर्स और रन्स के दरमियान, यहाँ पे दो डिफरेंट टीम्स के मैंने यहाँ पे बार्स बनाए हैं कि किस ओवर में किस टीम ने कितना स्कोर किया है। तो ये आपस में जब हम इनके कोरिलेट करते हैं तो ये इन बार्स की फॉर्म में जब हम कोरिलेट करते हैं तो ये हिस्टोग्राम कहलाता है। तो ये डिफरेंट हमारे पास सेवन टूल्स थे क्वालिटी कंट्रोल के। नेक्स्ट हम फिर क्वालिटी अश्योरेंस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।